नमस्कार किसान भाइयों, दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती कैसे करें पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं भिंडी की खेती किस प्रकार से की जाती है। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आधी अधूरी जानकारी ना ले किसान भाइयों, जिससे मैं नहीं चाहता कि आपको खेती में किसी प्रकार का घाटा हो। अगर आप संपूर्ण जानकारी रखेंगे, पूरी प्रोसेस पता रहेगा, तभी आप शानदार उत्पादन ले पाएंगे। तो भिंडी की खेती हम 10 पॉइंट के आधार पर जानेंगे, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट जो रहने वाला है भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी पॉइंट उपयुक्त जलवायु, तीसरी उपयुक्त तापमान, चौथी उन्नत किस्में, पांचवी खेत की तैयारी कैसे करें एवं खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक दें एवं कितनी मात्रा में दें, छठी जानेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सातवीं नंबर पर हम जानेंगे सिंचाई कितनी बार करें, उसके बाद जानेंगे भिंडी की खेती आप कर रहे हैं तो रोग नियंत्रण कैसे करें, कौन सा रोग लग जाती है, उसके बाद जानेंगे भिंडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कैसे ले। तो पहले पॉइंट से शुरू करें अगर किसान भी हो तो, अगर भिंडी की खेती करने के लिए अगर सही मिट्टी की बात की जाए, जिस मिट्टी में पैदावार जो है काफ़ी अच्छी मिलती है, पौधे की जो विकास है वो भी बेहतर कर पाती है, तो ऐसी मिट्टी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो भिंडी की खेती ऐसे तो आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया अगर आपको उत्पादन लेनी है तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादातर बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए खरीफ, बरसात, इन सभी मौसम में आप कर सकते हैं। भिंडी के पौधे 1 से 1.5 मीटर तक लंबे जो होते हैं, तो इसमें कई वैरायटी आपको मैं बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले मैं मिट्टी का बात किया हूं, तो इसके लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी में खेती करनी है। मिट्टी के पीएच मान की अगर बात करें तो 7 से 8 के बीच का होना चाहिए भिंडी की खेती करने के लिए पीएच मान। अगर किसान भी वो जलवायु की बात करें तो भिंडी की खेत में तेज और नमी वाले जलवायु उपयुक्त माना जाता है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ, बारिश, सर्दियों में भी उगाया जाता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर केयर करना पड़ता है। अभी के समय पे आप लगाते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, तो सही से समय समय पे आपको सभी प्रकार की जो ज़रूरत होती है उसे छिड़काव करना पड़ता है आपकी भिंडी के पौधे पे, तभी आपका भिंडी सर्दी में सफल तरीके से हो पाएगी। किसान फिर उसके बाद बात कर लेते हैं भिंडी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी उन्नत किस्में लगाएं। तो हमने काफ़ी सारे किसान भाइयों से वैरायटी के बारे में डिसीजन लिया, काफ़ी सारे किसान भाइयों से जाना, तो उन्होंने कुछ वैरायटी मुझे सजेस्ट किया जो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। पहले नंबर पे जो वैरायटी है किसान भाइयों, पूसा ए फोर जो वैरायटी या भिंडी की एक उन्नत किस्म है, जिसे भारतीय कृषि अनुशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। पूसा ए फोर वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो इसका जो पौधा होता है बीज अंकुरित होने के 15 से 20 दिन पश्चात फूल निकलने लगता है। इस जो पौधा है इसकी बीज रोपण 45 दिन के बाद पहली तुराई करने के लिए तैयार हो जाती है। भिंडी की यह जो किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार देती है। उसके बाद हमने जो दूसरी नंबर पर वैरायटी रखी है किसान, भिंडी की पंजाब 7 किस्म। भिंडी की यह जो वैरायटी है पित्त रोगी रहित होती है, इसमें जो पित्त रोग होता है बिल्कुल भी नहीं लगता है। 50 से 55 दिन में बिल्कुल तरीके से पहली तुराई के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम इसकी उत्पादन की बात करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो 8 से 20 टन की पैदावार आपको प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। उसके बाद हमने जो वैरायटी रखा है किसान भाई, प्रभनी क्रांति, पौधे की यह जो वैरायटी है पीत रोग रहित होती है। इसके पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 50 दिन बाद पहली तुराई के लिए तैयार होती है। किसान भाइयों, बात करें इस वैरायटी की जो फल होते हैं, तो इसमें लगने वाली जो फसल होते हैं गहरे हरे और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे इसके फल होते हैं, तथा इसकी पैदावार की बात करें तो यह 10 से 12 टन की पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है किसान भाइयों। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है आर्का अनामिका, भिंडी के पौधे की यह जो वैरायटी है पिलिसीरा मोजक रोग इसमें नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस वैरायटी के पौधे अधिक गहरे और हरे रंग तथा अधिक लंबाई वाले होते हैं। इनमें फूल की पंखुड़ियाँ जामुनी रंग की होती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो 20 टन की पैदावार आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाती है। यह पौधे दोनों ऋतुओं में आप उगा सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है वो हिसार उन्नत, यह जो वैरायटी है पंजाब में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा इस वैरायटी का निर्माण किया गया है। इसकी पैदावार 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलती है। पौधे बीज रोपाई के 45 दिन बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वैरायटी पौधे जो होती है दोनों ही ऋतुओं में आप उगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है BRO6, किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहे, काफ़ी सारा जानकारी आपको दी जाएगी। अभी मैं वैरायटी पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा किसान भाई को समस्या होता है सही वैरायटी का चयन करना, तो यहाँ पर डिसीजन लेना आपको
जरूरी है सही से समझकर जैसी वैरायटी आप लगाएंगे उत्पादन आपको उसी तरीका से मिलेगा। काफ़ी सारे किसान भी खेती तो करते हैं, अच्छी मेहनत भी करते हैं, उसमें खर्च भी कर लेते हैं, लेकिन वैरायटी का चुनाव सही नहीं रहता है जिसके कारण से उनको उत्पादन कम मिलती है। तो VRO6 की बात करें तो पौधे की यह जो वैरायटी है काशी प्रगति के नाम से भी जानी जाती है, जिसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी द्वारा तैयार किया गया है। इसके पौधे बीज रोपाई के 45 से 50 दिन बाद तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पिलिसेरा मोजक जो रोग होता है ये रोग बिल्कुल भी नहीं लगता इस वैरायटी में। तो किसान भी उसके बाद जो वैरायटी आती है आज़ाद 3। अब हम बात करेंगे भिंडी की खेती आप कर रहे हैं तो इसकी खेत को कैसे तैयार आपको करना है, खेत की तैयार करने की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको 1 से 2 गहरी जुताई करनी है, कोई भी यंत्र हो कल्टीवेटर हैरो इससे आपको गहरी जुताई करनी है, जो भी फसल के अवशेष पदार्थ हो पुरानी फसल की वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसके बाद एक जुताई गहरी करनी है, उससे पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में डालनी है 10 से 15 गाड़ी जितना पुरानी हो सके 10 से 15 गाड़ी आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में गोबर की खाद डाल देनी है। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी करना है, इसके लिए आप रोटेवेटर का यूज कर सकते हैं और भी कोई यंत्र यूज करके आप मिट्टी को बिल्कुल तरीके से भुरभुरी कर लेना है, जिसमें मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद दोनों एक दूसरे को आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका खेत हो गया बिल्कुल तरीके से तैयार, अब आप भिंडी लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगर बात करें भिंडी के पौधे में सिंचाई की तो इसके बीज को आर्द्रता युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसके लिए इसके बीज को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है और यदि गर्मी अधिक हो रही है तो सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए, बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही सिंचाई करनी पड़ती है। भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा की अगर हम बात करें तो भिंडी की फसल की अच्छी उपज लेने के लिए आपको उर्वरक की उचित मात्रा देना जरूरी है। खेत की जुताई करते समय हमने जो बताया शुरू में ही 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद या आप 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद भी दे सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिलाकर जुताई करनी है। लेकिन जो किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं 2 बोरे NPK की खाद की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए आपको। जब पौधे 50 से 90 दिन का हो जाए तब उनमें 20 किलो यूरिया खाद को सिंचाई के साथ आपको देना है। अगर बात करें भिंडी की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करनी है तो भिंडी की फसल में आप खरपतवार 2 तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आप बीज रोपाई से पहले फ्लूक्लोरीन की उचित मात्रा का छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप निराई गुराई का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए बीज रोपाई 20 दिन बाद गुराई कर देनी चाहिए, जैसे आप बीज की रोपाई करते हैं उसके 20 दिन बाद आपको बीज को जो है रोपाई के 20 दिन बाद आपको गुराई करनी है। किसान भी वो बात कर लेते हैं इसके बाद आप भिंडी के पौधे में जो रोग लगती है कौन कौन सी रोग है उसकी रोकथाम कैसे करनी है, उसके रोकथाम करने के लिए कौन सा आपको स्प्रे करना है। तो किसान भी बात करते हैं भिंडी में सबसे ज़्यादा रोग जो लगती है काफ़ी सारे किसान भाइयों को जो कमेंट आता है फल छेदक रोग जो है इस तरह का जो रोग होता है नमी के मौसम में अधिक प्रकोप दिखाता है, इस रोग के लग जाने से फसल को अधिक हानि होती है। यह रोग भिंडी के फल को अंदर से खाकर पूरे तरीके से नष्ट कर देता है और किसान भाइयों इसके अलावा यह रोग पौधे के तने पर भी देखने को मिलता है, इससे फलों के मुड़कर खराब होने की स्थिति आ जाती है। इसके अगर रोकथाम की बात करें तो प्रोफेनोफॉस या क्विनोफॉस का उचित मात्रा आप छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद पित्त सीरा कोट रोग कीट रोग लग जाती है, यह एक वायरस जनित रोग है जो भिंडी के पौधे में लगकर पौधे की पत्तियों को सिराए को पीली कर देता है, जिससे नई निकलने वाली शाखाएँ भी पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे फल भी पीले रंग के होने लगते हैं। यदि सही समय पर इसका उपचार न किया जाए तो पौधे का विकास की गति रुक जाती है। पौधे पर डिमिडिक्लोरीप्रिड या डाइमिथियोएट की उचित मात्रा आपको छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम कर लेनी है। उसके बाद चूर्ण आशिता कीट रोग जो होती है ये भी लग जाती है, लाल मकरी रोग लग जाती है, तो काफ़ी सारा रोग लगती है जिसे समय पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। किसान भी वो भिंडी की फसल में अगर हम फलों की तुराई और पैदावार की बात करें तो भिंडी के हर किस्म के पौधे को तैयार होने में 40 से 45 दिन का लगभग समय लग ही जाता है। फल की तुराई के कई चरणों में करना चाहिए, पहली तुराई के 4 से 5 दिन बाद उसकी दूसरी तुराई करनी चाहिए, तो ये बेसिक बात अपने हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये रही भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।